लाइफ स्टाइल की बात करो, गांव जाए हम अगर गांव को देखते तो बहुत सारी ऐसी सुविधा होती है जिससे लोग वंचित होते हैं, उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो कैसे देखते हैं कि वहां तक भी सुविधा पहुंचे और कैलाश जी जिस तरह से आगे कार्य लेकर जा रहे हैं गाँव तक, तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप? कैलाश जी का जो ये निर्णय है मेरी तरफ से बहुत अच्छा है। अब मुंबई जैसे डेवलप सिटी में तो सब सुविधा सबको हर एक भाई को अपने मिलती है, पर गांव की तरफ जो आरोग्य की सुविधा है, शैक्षणिक बाकी की है, जो भी है, तो बहुत सारी कम नज़र आती है, वहाँ से लोग वंचित है उस सुविधाओं से। तो कैलाश जी का जो निर्णय है बहुत अच्छा है, मैं उनको दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गाँव के बारे में सोचा, जबकि बॉम्बे में रहते हुए उन्हें उनका गांव भरा है। तो ऐसे जैसे कैलाश जी ने निर्णय लिया है, ऐसा हर एक अपना जो बाहर से गांव से मुंबई में आया है वो ऐसा सोचने लगेगा तो गांव भी पीछे नहीं रहेगा, सबको सुविधा मिलेगी। तो कैलाश जी को मैं उनके कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। राठौर जी कितना अपने गांव से प्यार करते हैं और आप भी बहुत सारी पोस्टिंग आप अपने काम के सिलसिले में आपका भी जाना होता होगा गांव में, तो कभी आपने ऐसा देखा है कि आपको देखकर लगा हुआ ये इतनी बड़ी समस्या क्यों नहीं सॉल्व हुई है, जनता के लिए क्यों इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है? हालांकि ऐसा है कि अपनी जो सुविधा है गवर्नमेंट की तरफ से तो हर जगह लॉन्च होती है, पर उसका प्रॉपर रिएक्ट नहीं हो पाता है गांव में, वो सुविधा वहां तक पहुंचती है खाली डॉक्यूमेंट पहुंचती है, जबकि प्रैक्टिकल में कुछ होता नहीं है, उसकी वजह से ये लोग वंचित रह जाते हैं। तो इस बात को आप भी मानते हैं कि जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही? पहुंच नहीं। तो क्या लगता है कि आपको लगता है कि वो सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए? जी जरूर पहुंचनी चाहिए, उन सुविधाओं का उनको लाभ मिलना चाहिए जो उनके हकदार है। गवर्नमेंट ने उनके लिए सुविधा बनाई है तो खाली डॉक्यूमेंट्स में नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में वहाँ सब चीजें होनी चाहिए। तो कैलाश जी किस तरह से आप गांव तक सुविधाओं को योजनाओं को जिसका फायदा मिलना चाहिए वहाँ के लोगों को किस तरह वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करने जा रहे हैं? हम बीजेपी सोशल मीडिया मोर्चा के अंतर्गत हमारे जालना जिला में घनसावंगी तालुका में हम लोग वहाँ पे पहला जो मॉडल है तो वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। 273 विलेज है, 273 विलेज में जितने ही गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की योजना है वो हम आम जनता तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। हमने एक मॉडल बनाया है, 5 एम्बुलेंस, 5 डिजिटल कार्स, उसमें एम्बुलेंस में 5 MBBS डॉक्टर्स नर्स रहेंगे और पूरे गाँव में 2 दिन होल्ड का एक हमारा यूनिट रहेगा। उस यूनिट ने वहाँ पे जितने ही नीडी पुअर पीपल को किस तरह से उनकी समस्या है उसके ऊपर हल किया जाएगा। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी चीज़ें जो लगेगी जो वहाँ के गांव के पुअर पीपल है उनको हम लोग वो हेल्थ फ्री कैंप वहाँ पे ले रहे हैं। तो जो गांव की संख्या 273 आपने बताई है तो लोग भी ज्यादा होंगे, जिम्मेदारी ज्यादा होगी, तो किस तरह से टीम होगी और किस तरह से आप उस कार्य को सफल तरीके से कर पाएंगे? हम लोग क्या हर गांव में हमारी जो वैन रहेगी एम्बुलेंस वैन उसमें सारे इक्विपमेंट्स मेडिसिन सब रहेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी ये 3 महीने से हमने प्री प्लानिंग किया है, हर गांव में जाके किसका क्या प्रॉब्लम्स है वहां पे कैंप लेंगे, हम मेडिकल कैंप लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे और वहाँ पे जितने ही वंचित लोग हैं जो योजना से तो उनका फॉर्म्स भी दिया जाएगा मेडिकल का, 2 लाख का इंश्योरेंस किया जाएगा, 2 लाख का मेडिक्लेम दिया जाएगा, किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म किया जाएगा, आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख का, सब फॉर्म के साथ हम लोग वहाँ पे पूरा गांव में समस्या मुक्त दिशा की ओर ले जाने का हमारा ये प्रयास रहेगा। तो कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी? ये जान के एंड में जनवरी के नेक्स्ट मंथ में अब हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, जनवरी के एंड में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे बीजेपी के श्री बावन पुरे साहब के सूचना के अनुसार श्री देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में ये काम हुआ किया जा रहा है। तो क्या भाजपा के और भी नेता भी होंगे वहाँ पर? हाँ, भाजपा के हमारे काफी डिस्ट्रिक्ट राव साहब दानवे जी है, हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो भी हमें टाइम डेली हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं और अब हम उनके मार्गदर्शन में ही वहाँ पे हम ये सब कुछ प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कैलाश जी के इन कार्य को कि मतलब जरूरतमंद नीडी पर्सन्स के लिए अगर जो हेल्प पहुंचाने की उन्होंने सोच रखी है तो आप कैसे देखते हैं?
हाँ, सबसे पहले तो मेरा नाम अलिंद तेजा और मैं बेसिकली राशिया से हूँ और यहाँ पे सेटल हूँ काफ़ी टाइम से इंडिया में। तो आपको भी पता है कि राशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और मुझे बचपन से ही इंडिया से बहुत प्यार था और यहाँ पे रहने के बाद वो प्यार उल्टा भर गया। तो मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि काश मैं भी कुछ कर सकूँ इस कंट्री के लिए जिन्होंने मुझे जगह दी और बहुत सारी चीज़ें दे दी। तो अभी जब से मेरी मुलाकात कलश जी से हुए, मैंने देखा कि ये भी सोशल वर्क कर रहे हैं तो मैंने इनको ज्वाइन किया और अभी इनके साथ हम सोशल वर्क करने जा रहे हैं। तो मैं उनको बेस्ट विशेष देना चाहूँगी कि वो कामयाब रहे, हम कामयाब रहे।